नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिर कब तक लखीमपुर खीरी में रेप और हत्या जैसी घटनाएं रुकेंगी? क्या पुलिस अधीक्षक खीरी के संभालने के लिए ये कुर्सी उनकी काफी नहीं है? आखिर क्यों महिलाओं के प्रकरणों पर कार्रवाई करने से पुलिस हिचकिचा रही है? अभी निहासन में हुए घटनाक्रम की आग बुझी भी नहीं थी कि भीरा का मामला सामने आ गया है। भीरा के मूसेपुर में आत्मरक्षा में युवती लक्ष्मीबाई बन गई लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाई। दूसरे समुदाय के दो युवकों ने घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। आत्मरक्षा में युवती ने अपनी जान गंवा दी तो भीरा पुलिस हरकत में आई है। पूर्व में भीरा पुलिस ने बताया जा रहा है कि मामला दर्ज कराने के लिए रफा दफा की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर मामला सामने आया, इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मौके पर एडीएम, एसडीएम, सीओ गोला, तहसीलदार सहित कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए इनकार भी कर दिया। पुलिस विभाग के लिए पोती को लेकर परिजन नाराज नजर आ रहे थे। जिम्मेदारों पर कार्रवाई पर परिजन अड़े हुए थे। मूसेपुर गांव पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। पीएसी जवान की गाड़ी भी गांव पहुंची है। भीरा प्रभारी निरीक्षक, फूल बेहर थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन हादसा होने के बाद अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी में लड़की का दाह संस्कार होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि यह वही लखीमपुरी है जहां पर बुधवार को एक खेत में दो नाबालिग किशोरियों के शव पेड़ से लटके मिले थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। दोनों बहनों के शव का पोस्टमार्टम भी हुआ और रिपोर्ट भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। खुलासा यह कि दोनों बहनों को पहले रेप किया गया और फिर उनका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शवों को पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस ने बताया कि महिला डॉक्टर की मौजूदगी में तीन डॉक्टरों के पैनल ने शवों को 3 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और मामला ऐसा सामने आ गया है। आखिर कब तक महिलाओं के साथ यूं दरिंदगी होती रहेगी? आखिर कब तक महिलाएं इंसाफ के लिए भटकती रहेंगी? आखिर कब तक इस तरह की महिलाएं लगातार अपनी जान गंवाती रहेंगी? सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन हम लगातार जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन की है और लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, अलर्ट मोड पर एक्शन भी ले रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मयंक मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मयंक, अभी कुछ दिन पहले ही, बीच में 2 दिन बीते कि एक बार फिर से एक महिला के साथ दरिंदगी की गई है और आखिरकार उसकी जान भी चली गई। इस पूरे मामले में पहले तो अपडेट बताइए कि अपडेट क्या है। मैडम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। हेलो जी मयंक, आपकी आवाज आ रही है। मैडम, बताना ये चाहेंगे कि 2 दिन पूर्व में भी यहाँ पे 2 दलित नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है, उसको लेकर के मामला भी शांत नहीं हो पाया था। इधर एक नया कारनामा और जनपद में व्याप्त हो गया। भीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजुआ चौकी के मूसेपुर गांव की घटना है जहां पे एक बच्ची अपने घर में बैठी हुई थी। पीछे से कुछ अदर समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों ने उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी करनी चाही, जिसको लेकर महिला ने विरोध किया। उस लड़की की इतनी जबरदस्त पिटाई की जिससे उसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला इतना तूल पकड़ गया कि सपा प्रतिनिधि मंडल भी एक पहुंच चुका है। जिले में जो पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस घटना से बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया है। बोले इस तरीके से कोई घटना नहीं हुई। आरोप लगा रहे हैं कि जब इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए परिजन पहुंचे तो तब पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की। उसके बाद जब मामला सोशल मीडिया पर छाया तब जाकर पुलिस एक्शन में आई है। और अभी फिलहाल किस तरह के हालात बताए जा रहे हैं? क्या अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है? देखिए मैडम, अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों ने मना कर दिया है। उनकी एक ही मांग है कि पुलिस के पास जब हम पहली बार गए तो उन्होंने 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद युवती की मौत हो गई। मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद पुलिस भी सदके में आ गई, जिसको लेकर के आज युवती की मौत होने के बाद परिजनों ने पीएम कराने से मना कर दिया था। लाजमी जिला अधिकारी महोदय के निवेदन पे परिजन माने हैं लेकिन वो अंतिम संस्कार करने के लिए अग्री नहीं।
चलिए ठीक है मयंक, यहाँ मैं रोकूंगी। कुछ ऑफिशियल बाइक भी हमारे पास है, क्या कुछ कह रही है पुलिस, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो सुनने में आया कि उस लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, और जब परिजन पुलिस के पास गए हैं तो पुलिस ने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया, और उसको जब मारा पीटा गया है, लड़की हॉस्पिटलाइज हुई है और उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ है, तो आज हम लोग उसकी पीएम कराने के लिए यहाँ पीएम हाउस में यहाँ खड़े हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार उत्तर प्रदेश में स्पेशली लखीमपुर में लगातार इस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम उम्मीद कर भी नहीं सकते अब कुछ भी, क्योंकि उनका तो एक तरीका है कि अब जब रेपिस्ट को बाहर निकालने के बाद उनका माला पहना के स्वागत हो, उनका टीका लगा के स्वागत हो, तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते। उसके बाद तबीयत खराब होने के बाद बच्चे बताई जा रही है, बच्चों का प्रमुख कारण के लिए हम लिया जाएगा, जैसा होगा बच्चा। तो मयंक सुना आपने किस तरह से यहाँ पर लखीमपुर खीरी, देखिए लखीमपुर खीरी पहली बार कुछ चर्चा में नहीं आया है, हर बार लखीमपुर खीरी चर्चा में आता है, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो 2021 हो, चाहे अब 2022 हो। तीन दिन में दो रेप की वारदात सामने आ रही है, वो भी जघन्य वारदात सामने आ रही है। घर में घुसकर दरिंदे युवती के साथ दरिंदगी करते हैं और उसको इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि आखिरकार उसकी जान चली जाती है। इससे दो दिन पहले ही दो बहनों को रेप करके उसके बाद शवों को पेड़ से लटका दिया जाता है। आखिर कब तक ये चलेगा, पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, लखीमपुर खीरी में कानून को इस तरह से क्यों हाथ में लिया जा रहा है, और क्या पुलिस इन अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। मैडम देखिए, जहाँ तक पुलिस के अंकुश लगाने की बात है तो आम जनमानस का पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है, और पुलिस की खराब कार्यशैली से पूरे जनपद में एक रोष व्याप्त है, जिसको लेकर के लोग सड़कों पे उतरने की सोच रहे हैं। वहीं मूसेपुर गांव पीएससी छावनी में तब्दील हो गया है, कई बटालियन पीएससी की पहुँच चुकी हैं, आला अधिकारी भी लखनऊ से पधार रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन जो भी अपराध हो रहे हैं वो बेहद निंदनीय है जनपद के लिए। परिवार की क्या मांग है, परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है? परिवार का तो यही कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए, लेकिन अभी पीड़ितों से मिलने के लिए पुलिस ने मीडिया को रोक दिया है, अभी मीडिया से पीड़ितों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, जब हंगामा हुआ तभी पुलिस क्यों नींद से जागी है। पुलिस द्वारा क्या कुछ बयान सामने आए हैं? पुलिस अधीक्षक खीरी ने तो अभी तक मीडिया से रूबरू होकर मैडम कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जो परिजनों की बात निकल के आ रही है, उन्होंने बताया कि इसके पूर्व में भी हम कई बार चौकी इंचार्ज को, थाना इंचार्ज को एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया और वो अपना पल्ला झाड़ने में लगे रहे कि जल्द से जल्द इस मैटर को यहीं क्लोज कर दिया जाए, सुलह समझौता हो जाए, लेकिन आखिर बात यहां तक आ गई कि आज उस लड़की की जान चली गई। चलिए ठीक है मयंक, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो लखीमपुर खीरी इस समय दहला हुआ है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तीन दिन में दो वारदात ऐसी आई है जिसके बाद पूरे देश में लखीमपुर खीरी को लेकर चर्चा फिर से गर्मा गई है। पहले दो बहनों का दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद घर में घुसकर एक महिला के साथ दरिंदगी की जाती है जिसमें वो काफ़ी बचने की कोशिश करती है, तो इस पर जो दरिंदे हैं उसके साथ मारपिटाई करते हैं जिसमें उसकी जान चली गई है। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस इस पूरे मामले पर अभी तक मौन है। इतना ही नहीं, मीडिया के सवालों से भी जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।